हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए कुछ टाइम पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी दो हजार रुपए पे हुआ करता था और उसके बाद ये शेयर ने एक ऐसी जंप लगाई कि ये शेयर कितने का होता हुआ नजर आया ये शेयर नजर आया आपको कितने का बीस हजार रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया फिर स्प्लिट हुआ फिर आपको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दिया आपको पता है इसके इसके पीछे पीछे रीजन रीजन क्या था इसके पीछे रीजन था कि चाइना से क्रैशेस एज वेल एज इस कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिलना उसके अगेंस्ट में इस वजह से ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया अब देखिए एक ऐसा शेयर दोबारा उभरता हुआ आ रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी नहीं है दूसरा शेयर है जिसमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है और ये इसका कॉम्पिटिटर है डिकसन टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं एक तरीके से कॉम्पिटिटर है तो आइए उसी चीज से रिलेटेड हम बातें करेंगे उसी स्टॉक्स के बारे में जानेंगे क्या हमें उसमें शेयर पोजीशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे आज की डेट में एक वीडियो आ चुकी है जाके देख लीजिए ब्रेकआउट स्टॉक्स है ब्रेकआउट होने वाला है और बात करें यहाँ पर और भी स्टॉक से रिलेटेड कल की चार वीडियो आई थी उन वीडियो को जाकर

इसके वॉच भी आते हैं यहाँ पर हेडफोन्स भी आते हैं भी आते हैं, यहाँ पर ब्लूटूथ ब्लूटूथ वाले यहाँ पर यहां पर हेडफोन्स आते हुए नजर आते हैं, ईयरबड जिसे कहते हैं तो ये यह प्रोडक्ट्स यहाँ पर सारे आते हुए और ये कंपनी नॉइस अगर मैं आपको बताऊं तो नॉइस यहाँ पर है इसके अलावा की बात करूँ तो देखिए बोट के जो प्रोडक्ट्स है वो कौन बनाता हुआ नजर आएगा वो बनाता हुआ नजर आएगा डिक्सन टेक्नोलॉजी बट अगर नॉइस के प्रोडक्ट्स की बात करें जो कि एक लीडिंग ब्रांड है वो कौन बनाता हुआ नजर आएगा वो बनाता हुआ नजर आएगा यहाँ पर देखे तो आपको दिखाई देगा दो तीन न्यूज है यहाँ पर देखेंगे तो नॉइस पार्टनर विद ऑप्टीमस फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हियर हियर एवल्स तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टीमस की तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं

तो यहाँ पर आपको एक न्यूज ये मिली दूसरी न्यूज और आपको बताता हूं यहाँ पर देखिए दूसरी न्यूज से रिलेटेड तो दूसरी न्यूज ये है कि यहाँ पर ये एक दूसरी न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है पी एल आई स्कीम इसे मिलती हुई नजर आएगी देखिए यहाँ पर रिसीव द पी एल आई स्कीम स्टॉक से क्योंकि अगर बात करें जो ये इस तरीके के गैजेट्स बनाते हुए नजर आएंगे जो कि हम नॉइस प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आएंगे या फिर यहां पर लैपटॉप टैबलेट्स ये सब बनाते हुए नजर आएंगे तो उस कंपनी को भी यहाँ पर पी एल आई स्कीम तो अगर मैं आपको एक न्यूज आपको नॉइस से रिलेटेड मिल गई कि इस कंपनी के साथ यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप करी है दूसरी यहाँ पर पी इसकी वो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी वजह से आज आप सर्किट लगा है वो ये है कि यहाँ पर आ, इंडिया ऑप्टिमस लिंक न्यू एर न्यू डील विद विस्ट्रॉन मतलब विस्ट्रॉन आपको पता ही है विस्ट्रॉन क्या है विस्ट्रॉन यहाँ पर ताइवान की यहाँ पर जो चाइना का यहाँ पर आ, राइवल है ओके okay, कंपनी है विस्टोन जो कि यहाँ पर इंडिया में कर्नाटक में आपने कुछ टाइम पहले यहाँ पर न्यूज भी सुनी होगी कि विस्टोन के ऑफिस में तोड़फोड़ करी उनके एम्प्लॉयज ने और वहां से आईफोन चुरा लिए गए तो ऐसी कुछ न्यूज आई थी कर्नाटक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वही कंपनी ने यहाँ पर पार्टनरशिप करिए कह सकते हैं यहाँ पर डील करिए किसके साथ ऑप्टी ऑप्टीमस कंपनी के साथ और कितने करोड़ की यहां पर तेरह सौ पचास करोड़ की और क्या बनाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर लैपटॉप हार्डवेयर मैन्युफैक्चर ये बनाते हुए नजर आएंगे यहां पर देखते हैं इस कंपनी देखिए यहाँ पर आई हार्डवेयर मैन्युफेक्चर तो इस और एक कंपनी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है तो यहाँ पर देखिए दिस इज देयर सेकंड स्ट्रेटी कॉलोबेशन इन इंडिया बोथ कंपनीज प्रीवियस फॉर्म ए जॉइंट वेंचर विच एंडेड रिसेंटली विथ ओस पेरेंट्स कंपनी ऑप्टीमस इंफ्रास्ट्रक्चर

लैपटॉप भी बनाएंगे आईओटी एंड आईटी हार्डवेयर डिवाइसेस भी बनाते हुए नजर आएंगे एंड ऑटोमेटिक ईवी प्रोडक्ट्स भी बनाते हुए नजर आएंगे जिसमें अभी स्टार्टिंग में बिल इन्वेस्ट मेंचास करोड़ रुपए करोड़ करोड़ इन मल्टीपल प्रोडक्ट सेगमेंट मतलब अलग अलग, अलग सेगमेंट में काम करते हुए अड़तीस हजार करोड़ रुपए का ये इस तरीके से रेवेन्यू uh, जनरेट करने की इनकी कोशिश है और पीएलआई स्कीम में भी आ गया है और इसके यहाँ पर इस शेयर भी खरीदे हैं तो यहाँ पर इस वजह से इस

ग्लोबल डिवाइस नेटवर्क यहाँ पर बात करें ये माइक्रोमैक्स वन प्लस एच यहाँ पर जैन ये आई थिंक इनके यहाँ पर इनके लिए ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर और हम यहाँ पर और भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल यहाँ पर और यहाँ पर जाके देखेंगे इनकी वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी तो ऑब्वियसली बात हमारी जो मेन बात थी यहाँ पर तीन न्यूज़ थी जो कि हमने यहां पर कर, कवर करी पी एल आई की नॉइस के साथ collaboration as well as पर, आ, पर इनका collaboration ये एक इस कंपनी की किस्मत चेंज कर देगी या कह सकते हो इस कंपनी को पूरा चेंज कर देगी और यहाँ पर पी एल आई गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है तो यहाँ पर ये कंपनी को ऊपर की तरफ जाना ही है बट यहाँ पर यहाँ पर अगर, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है बारह हजार चौसठ करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और तेरह सौ कुछ करोड़ रुपए और यहाँ पर लगाएगी तो कंपनी की यहाँ पर कीमत लगभग 2500 करोड़ के आसपास होती हुई नजर आएगी आरओसी अच्छी खासी है 22% आरओई 34% के 11 के पीई पे 31% का डेट भी है और कुछ शेयर यहाँ पर प्लस प्लस भी है 23.8% के शेयर यहाँ पर प्लस भी है 25% के शेयर यहाँ पर प्लस होते हैं उससे ज्यादा तो याद रखना है। इसके अलावा तो कंटिन्यूटी के साथ गिरती हुई नजर आई है जो कि आप देख सकते हैं अभी सेल्स जो है 48 करोड़ रुपीज की रह गई है ओके जो की एक नेगेटिव पॉइंट है प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है यहाँ पर अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट वो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर ना के बराबर ही पर पॉजिटिव और यहाँ पर अदर इनकम थी इसलिए हंड्रेड करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कंपनी कह सकते हो अभी लॉस मेकिंग है सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पर इली बेसिस पर बात करें तो दो हजार से देखिए कंट्री यहाँ पर अच्छे खासी परफॉर्म करी यहाँ पर 2014 तक उसके बाद से एक कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है प्रॉफिट की बात करें तो ये कंसोलिडेशन में तो प्रॉफिट में स्टैंड लोन की बात करें तो स्टैंड लोन में यहां पर देख सकते हैं स्टैंड लोन में कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स ही गिरती हुई नजर आ रही है अदर इनकम यहाँ पर कंपनी की हो रही है इस वजह से प्रॉफिट आ रही है तो कंपनी एक तरीके से अकॉर्डिंग टू मी अगर माना जाए ये सब चीज को देखते हुए कंपनी अभी लॉस में है। पहली बात कंपनी का बट फ्यूचर के हिसाब से कंपनी 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 करती हुई नजर आती है, है, जिस तरीके से पर सब चीज़ अल, अलग-अलग के साथ इनका शायद क्या लगता हुआ दिखाई दिया अपर सर्किट क्योंकि लोग पहले ही पर इस तरीके की न्यूज को देखते हुए इस तरीके की बड़ी बड़ी न्यूज को देखते हुए अंदाजा लगाने लग जाते हैं रिजर्व्स की बात

है जो कि अच्छी बात है बट उसमें से 23 के शेयर गिर भी है जो कि ऊपर देखे थे एफ ने यहाँ पर अभी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.35% की डी भी ना के बराबर है पब्लिक की बात करें 24.71% की हिस्सेदारी है जिसमें से 1.13% की हिस्सेदारी एक है 1.84% की हिस्सेदारी एक है तीन चार पाँच छः सात मतलब आठ के हिस्सेदारी यहाँ पर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लगभग लगभग कितने परसेंट की सेवनटीन परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास रह जाती है इसके अलावा कुछ टेक्निकल्स की बात करो तो कंपनी के यहाँ पर देखिए पहले कंपनी भागती हुई दिखाई दी अपर सर्किट में जाती हुई दिखाई दी लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दी तो कंपनी में अपर सर्किट लोअर सर्किट का भी खेल चलता रहता है तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा देखना होगा कंपनी को हम खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज है ये और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ा के दे सकती है, इस वजह से यहां पर इस कंपनी में थोड़ा सा बुलिश होना या फिर आ, कह सकते हैं कि बुलिश होना अच्छा रहेगा तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखिए कंपनी पर

तो हमें ये चार्ट पैटर्न के से इतना टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आ, जो कि टू सेवेंटी फाइव रुपीज के टू सिक्सटी रुपीज के आसपास का जो कि इसके प्रीवियस हाई के आसपास ही है तो वहां तक कंपनी जाने की पूरी वो रखती है कि अच्छा खासा ये शेयर अच्छा खासा ऊपर के लेवल पर जा सकता है तो यहाँ पर पहला टारगेट इसका ये है जो कि क्या कहते हैं तो 25% के आसपास है दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट यहाँ पर 70% के आसपास है तीसरे टारगेट की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई है जो कि यहाँ पर uh, 100% के आसपास है तो ये तीन टारगेट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हमें बट अगर हम बात करें लॉस मेकिंग भी है स्मॉल कैप कंपनी भी है एज वेल एज अगर बात करें कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो अच्छा खासा है और बा, बाकी अपर सर्किट लोअर सर्किट में भी ये कंपनी चलती रहती है तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे तभी जाके आपको इस कंपनी में कोई भी पोजिशन बनानी चाहिए तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे और पॉज एंड कॉन्स दोनों आपको बताया जाए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस